ये है RFID बेस्ड मोबाइल चार्जर सिस्टम यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिक। ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिस पर प्रेशर देने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि एसी फॉर्मेट में होती है। उसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। जब भी कोई इसके ऊपर में प्रेशर रखेगा, पैर रखेगा, तब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये EM18 है, कार्ड स्कैनर होता है, यहाँ से कार्ड स्कैन होंगे। यहाँ पे डिस्प्ले पे LCD पे हमें दिखेंगे कि कौन सा कार्ड स्कैन किया हुआ है, उसमें बैलेंस कितना है, और उस हिसाब से उसका टाइमर ऑन हो जाएगा, उतने देर तक के मोबाइल चार्ज होगा। ये मोबाइल फ़ोन यहाँ कनेक्टेड है, एक कन्वर्टर है, DC to DC कन्वर्टर, 3.7 वोल्ट रिचार्जेबल बैटरी, ऑडिनो रिले एंड स्विचेस। इसको ऑन करते हैं, अभी फिलहाल स्कैन करने के लिए बोल रहा है ये। तो हमारे पास में तीन कार्ड है, 1, 2 और ये 3। इसमें से एक जो कार्ड है वो एक मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड मतलब कि इन दो कार्ड में रिचार्ज करना पड़ेगा हमें, तो इसमें हम पैसे डालेंगे। और पैसे कौन डालेगा? शॉपकीपर जो होगा या ओनर जो होगा वो उसमें पैसे डालेगा। तो पहले वो अपना खुद का कार्ड स्कैन करेगा, उसके बाद फिर ये दूसरे कार्ड स्कैन करके उसमें जो भी अमाउंट डालना है वो डाल सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट उतने सेकंड्स का उसको चार्ज मिलेगा। अभी इसको स्कैन करते हैं। ये देखिए, अब ये चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। चार्जिंग, ये इसका लाइट शुरू हो जाता है और ये चार्जिंग हो जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर हमको इसको स्टॉप करना होगा बीच में ही, तो हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे इसको हमने स्टॉप करवा दिया, नाउ टाइम लेफ्ट इस 35 सेकंड का टाइम लेफ्ट हो चुका है। अभी चार्जिंग बंद हो गया है इसमें। और अगर वैसे ही इसको अगर हम लोग प्रेशराइज करते हैं, सपोज इस पर हम लोग पैर रखते हैं, तो ये लाइट ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 3 वोल्ट दिखा रहा है, 1 वोल्ट, 4 वोल्ट। जैसे हम लोग प्रेशर देंगे उसके हिसाब से वो पावर जनरेट करता है, जो कि डायरेक्टली इस बैटरी को चार्ज करने के लिए काम में आएगा। इसलिए देखते हैं हम लोग दूसरा कार्ड, इसको रिचार्ज मोड में चला गया है ये। अभी हम इसको स्कैन करते हैं, ऐड इन द टैग। उसके बाद इसको ऐड करने के लिए हमको एक सपोज इसमें हम लोग 135 रुपीज़ ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इसको रन करना है हमें, इसको रन कर लेते हैं। तो अब ये इसमें 135 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं। अब ये देखिए 134, 133 ये चलते रहेगा, और यहाँ पे ये मोबाइल का चार्जिंग शुरू होगा। ये चार्जिंग चालू हो गया। अब यहाँ पे कैसा होता है कि अगर मान लीजिए इसमें 127 है, अगर हम इसको बीच में स्टॉप कर देते हैं, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप हो गया, चार्जिंग आउट हो गया। अब मैं इस पूरे सिस्टम को बंद कर देता हूँ। जैसे हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद अगर मुझे इसको वापस से स्टार्ट करना होगा, तब क्या होना चाहिए कि वो बराबर पहला जो अमाउंट उसका था उतना ही वो अमाउंट से वहाँ से वो स्टार्ट होना चाहिए। हम इसको वापस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वही अमाउंट आता है क्या इसका। ये देखिए 123 से वापस से स्टार्ट हो गया। जैसे स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इसका चार्जिंग चालू हो जाता है।